जलजीरा और काला खट्टा शरबत का नाम सुनते ही बचपन की बहुत सारी मेमोरीज याद आती है, जैसे कि वो केले वाला गोला, जलजीरा का वो पैकेट जो 2-2 रुपए में मिलता था, और वो 10-10 रुपए में मिलने वाली जलजीरा सोडा भी। पर तब हमें ये मालूम नहीं था कि वो जो बाहर का काला खट्टा शरबत आता है उसे ज़्यादा मीठा बनाने के लिए वो सैक्रीन और ग्लूकोज सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान करता है। हेलो व्यूअर्स, हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। ज़्यादातर बच्चे बाहर के केमिकल वाले शरबत और कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, पर आज हम बिना प्रिजर्वेटिव, बिना कोई कलर और बिना कोई केमिकल घर पे ही जलजीरा काला खट्टा शरबत बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो जामुन लिए है। किलो जामुन को मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रखा था ताकि इसमें से कोई भी जम्स वगैरह लगे हो तो वो निकल जाए। काला खट्टा शरबत बनाने के लिए जामुन हमेशा अच्छी क्वालिटी के लीजिए। अब सारा पानी इसमें से निकाल लेंगे। जामुन की जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी भी टिप्स मैं आगे दूंगी। इसमें से सारा नमक वाला पानी निकाल के मैंने इसे फ्रेश पानी से धो लिया है। अब सारे जामुन को इस तरह के एक पैन में ले लेंगे। अब इसमें 500 ml यानी कि आधा लीटर पानी डालेंगे और इसे ढक के हाई टू मीडियम फ्लेम पे उबलने के लिए रख देंगे। अब एक मसाला तैयार करेंगे। अगर आप काला खट्टा शरबत बनाना चाहते हैं तो ये मसाला आपको 1/4 भाग डालना है, और अगर जलजीरा शरबत बना रहे हैं तो पूरा मसाला डालना है। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा लिया है। इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि संचर नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्सी में पीस के बारीक पाउडर बना देंगे। देखिए हमारा जलजीरा पाउडर तैयार है। इतना बारीक पीस के तैयार करना है। देखिए जामुन में भी उबाल आ गया है। अब इसको ढक्कन खोल के कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू रेसिपी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अब आप हेल्थी कुकिंग लैब को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जामुन को उबलते हुए 7 से 8 मिनट हो गई है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक स्ट्रेनर में ले लेंगे। इस तरह के सूप स्ट्रेनर में सारे जामुन उबले हुए लेके इसे अच्छे से दबा के सारा पल्प इसमें से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से जामुन को निचोड़ के सारा पल्प निकालने के बाद उस पल्प को वापस वही पैन में ले लेंगे। अब इसमें हमने जो जलजीरा पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। अब इसमें मेजरमेंट के कप आते हैं उससे नाप के 2 कप शुगर डाल देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए उबालेंगे। बीच बीच में इसी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि नीचे शुगर जम नहीं जाए। जैसे जैसे आप इस मिश्रण को हिलाते जाएंगे वैसे ही हमने जो इसमें मसाले डाले हैं उससे इसका कलर चेंज होता जाएगा। शुगर इसमें अच्छे से घुल जाए उसके बाद टेस्ट करके आप शुगर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा या घटा सकते हैं। देखिए लिक्विड इतना गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। 2 टेबलस्पून नींबू का जूस और 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। अगर आप विनेगर यूज़ नहीं करते तो नींबू का जूस ज़्यादा डाल दीजिए। और 3 से 4 मिनट पकाने के बाद देखिए इतना गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करके 1 टेबलस्पून विनेगर और डालेंगे। शरबत को हल्का सा ठंडा करके इस तरह के कोई भी कपड़े की छलनी हो उससे छान लेंगे। मसाले सारे शरबत में मुँह में नहीं आए इसलिए इस तरह की छलनी से ही छाने। और इसमें हम विनेगर या तो लेमन जूस डालते हैं उससे आपके शरबत में जो शुगर क्रिस्टल जमते हैं वो नहीं जमेंगे और आपके शरबत की सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। अब इस तरह की कोई भी कांच की बोतल या तो कांच के जार में शरबत को भर लेंगे, जिसके लिए एक बात का खास ध्यान रखें कि इस तरह की बोतल या तो जार हो उसे पानी में उबाल दे ताकि आपका शरबत बिगड़े नहीं। देखिए वीडियो में आपको दिख रही है वैसी शरबत की कंसिस्टेंसी शरबत ठंडा होने के बाद होनी चाहिए, यानी कि इससे थोड़ा पतला हो शरबत तभी आपको फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। अगर आप इस कंसिस्टेंसी तक शरबत को उबालेंगे तो आपके शरबत में शुगर क्रिस्टल जम जाएंगे। अब बॉटल के ढक्कन को इस तरह से बंद करके फ्रिज में रख देंगे।
आप चाहे तो इसे बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। अब हम जलजीरा सोडा बनाएंगे, जिसके लिए ग्लास की बॉर्डर को इस तरह से नींबू से ग्रीस कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे एक प्लेट में 1 टीस्पून मिर्च और 1 टीस्पून नमक लिया है। अब इस ग्लास को इस तरह से इसमें डिप करेंगे ताकि लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और जब हम सोडा पियेंगे तब इसमें से चटपटा टेस्ट आएगा। अब इसमें 4 से 5 आइस क्यूब डालेंगे। 3 से 4 चम्मच जितना हमने जो शरबत बनाया है वो डालेंगे। थोड़ा सा नींबू का जूस डालेंगे क्योंकि हम सोडा बना रहे हैं। अगर आप शरबत बना रहे हैं तो नींबू का जूस मत डालिए। अब इसमें सादी सोडा डालेंगे। आप अगर शरबत बना रहे हैं तो सोडा को स्किप करके ठंडा पानी डाल दीजिए। तो लीजिए, हमारी जलजीरा सोडा तैयार है। अगर आपको भी जलजीरा सोडा बहुत पसंद है तो ये रेसिपी आपको बहुत यूज़फुल होगी। और अगर आपके घर में बच्चे जलजीरा का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो आप 2 फ्लेवर के अलग अलग शरबत भी बना सकते हैं, काला खट्टा शरबत और जलजीरा। अगर जामुन की सीजन चली जाए उसके बाद अगर आपको ये शरबत बनाना है तो आप जामुन की जगह पे 1/2 कप कोकम ले लीजिए। कोकम से बना हुआ काला खट्टा शरबत भी बहुत ही अच्छा बनता है और उसका कलर भी अच्छा आता है। तो इससे पहले कि जामुन की सीजन ख़त्म हो जाए, ये बिना केमिकल और प्रिजर्वेटिव का शरबत इस रेसिपी से घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके ओपिनियन और क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए।